अस्सलाम दोस्तों जी, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूर बेकर पे आज हम बना रहे हैं फ्रेश केक। तो आपको बताते हैं फ्रेश केक कैसे तैयार करते हैं। ये 6 किलो हमने चिली डाल दी है इसके अंदर मिक्सर के अंदर, 4 किलो हम इसके अंदर मक्खन डालेंगे। अभी हम इसके अंदर 2 किलोग्राम देसी घी शामिल करेंगे। ये फ्रीज किया हुआ है इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है सख्त। केक रस बनेंगे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे। ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इनको डालने के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ये टोटल तकरीबन 6 किलो बनती हैं और 1 किलो मटेरियल के हिसाब से 24 संदेश के अंदर शामिल करेंगे। 6 किलो के हिसाब से 12 अंडे जो हैं वो टोटल हो जाएंगे इसके अंदर। इसको कलर देने के लिए हम थोड़ा सा रंग शामिल करेंगे। अभी हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे, एक एक अंडा तोड़ के इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और साथ में वो मिक्स होता जाएगा। इसी तरह से हमने सारे अंडे जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे घंटे तक हमने इसको मिक्स किया है, अंडे डालने वाला प्रोसेस और पहले वाला टोटल। अभी हम इसके अंदर मैदा मिक्स करेंगे। ये हमारा 6 किलो मैदा है और बेकिंग पाउडर जो है वो तकरीबन 200 ग्राम है इसके अंदर। अभी हम ये इसके अंदर मिक्स करते हैं, डाल दें। मैदा डालने के बाद इसको थोड़ा सा हाथ के साथ मिक्स करेंगे पहले, फिर मशीन चलाएंगे। हाथ के साथ इसलिए मिक्स किया है कि ये देखा आपने थोड़ा सा वो मैदा जो है उड़ के बाहर आया था। अगर हाथ के साथ मिक्स नहीं करेंगे तो मैदा जो है उड़ के बाहर आ जाएगा और फर्श भी गंदा हो जाएगा, मशीन भी गंदी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सर तैयार हो गया है, अभी हम इसको बॉलों के अंदर डाल लेते हैं जी। ये वो बॉल वो ट्रे हैं जिसके अंदर हम वो मटेरियल रखेंगे। नीचे हमने इसके पेपर रखा है, साइड पे हमने ये देखें घी लगाया है इसके सभी तरफ जो है घी लगा लेना है। ये वो घी इसलिए लगाना है कि वो साइडों पे चिपके ना। नीचे तो वो पेपर आ गया, साइड पे जो है वो घी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मटेरियल है केक जब तैयार होगा तो वो साइड पे चिपकेगा नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हम बॉल के अंदर डाल रहे हैं ट्रे के अंदर। हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ना कहना क्या आते थे, हाथ अल्हम्दुलिल्लाह दो वक्त इसको शुरू करते हैं। ये काम ही ऐसा है कि हाथ के बगैर नहीं होता। ये एक ट्रे हमारी तैयार हो गई है, इसी तरह से हम सभी ट्रेनों को तैयार कर लेते हैं जी। अभी मैं ट्रेनों को ओवन के अंदर रखता हूँ। इसी तरह से हम सभी ट्रे को इसके अंदर रखते हैं। सभी ट्रे को हम अंदर रखेंगे और उसके बाद ओवन जो है हमारा इसको ऑन कर देंगे। तकरीबन 200 टेम्परेचर इसका हो जाएगा जब इसको बंद करेंगे। 200 टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अभी टेम्परेचर थोड़ा कम है, ये इंशाल्लाह फोन ऑन की है हमने, 200 तक चली जाएगी जल्दी जब तक हम उसको अंदर रखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 40 मिनट के बाद एक ट्रे हम आपको दिखा रहे हैं, ये तैयार हो गई है। तो इसको हम अभी बाहर निकाल लेते हैं जी। ओवन से बाहर निकालने के बाद 24 घंटे के लिए हम इसको ठंडा करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के बाद ठंडा करने के बाद हमने इसको ट्रे से बाहर निकाल दिया है। अभी हम इसकी कटाई करते हैं, साइड से काट के थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो फेंक देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा काला हो जाता है हीट की वजह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे हमने सफाई कर दी है उसको ऊपर से और साइडों से काट दिया है। अभी हम इसके पीसे भी कर लेते हैं। ये इसकी कटाई होना शुरू हो गई है। इसी तरह से हम इसको पूरे के पूरे को काट लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसकी कटाई हो गई है।
ये नॉर्मल केक जो है नरम वाला वो तैयार हो गया है। अगर आपको सख्त करना है इसको, इसी ट्रे को ओवन के अंदर दोबारा 20 से 25 मिनट तक आप हीट देंगे तो ये सख्त वाला केक हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आपने नरम रखना है या सख्त रखना है। केक रस जो है हमने आपको तैयार होते हुए पहले दिखाया था, उसके बाद हम कांड के इसको ओवन में रखेंगे। ओवन में 20 से 25 मिनट तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 20 से 25 मिनट के बाद पकने के बाद ये शक्ल तैयार करेगा, ठीक है। और ये आप खाने के काबिल है, आप इसको इसी तरह से खा सकते। तो पहले हमने दिखाया था वो लूप जो थी वो नॉर्मल केक था, ये सख्त वाला है। 20 से 25 मिनट पकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया हमें ये वीडियो बनाते हुए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के केक बनते हैं, नरम और सख्त दोनों का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको आज की छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर लाजमी करें और लाइक भी करें ज़रूर। तो जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अगली वीडियो आने तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, तब तक अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।